बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने बनाई है चने की दाल, आलू और चिकन की रेसिपी। इसके लिए ये मेरे पास चिकन है, मैंने ये वॉश कर लिया है। इसमें मैं अदर लहसुन का पेस्ट डालूंगी पहले, उसके बाद ये आधा चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच बल्कि एक चम्मच पूरा है दूसरे का खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और सारी चिकन पे मसाला जो है लगा देंगे और इसको मैरिनेट करके रख लेंगे। कुकर में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके अंदर ये साबित गरम मसाला डाल देंगे, उसके बाद प्याज का पेस्ट शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये दूसरा आलू है, ये मैंने काट के धो के वो भी डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर बॉयल्ड की हुई चने की दाल शामिल करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसकी आंच करते हैं बंद और ऊपर बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया डालेंगे और डिश आउट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखें अल्लाह हाफिज़।